राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ चंपा काली निमकी। आई नो आपको सुनने के बाद थोड़ा सा अजीब लगा होगा, ये क्या बना रही हूँ। सो गाइस, मैंने लाफ्टर शेफ देखना स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली, तो मैंने उसमें देखा कि चंपा काली निमकी बना रहे हैं लोग आजकल, और जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत टेस्टी होता है, जो कि सबने खाया है, जिसको हमारी भाषा में नमक पारा बोलते होंगे शायद से। सो गाइस, सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदे में डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद फिर थोड़ा डालेंगे हम इसमें जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी, क्योंकि इन सबसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, इसमें डालेंगे हम ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, और फिर हम ऐड करेंगे इसमें नमक, वो भी आपको अपने हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। फिर डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद इसमें हम अच्छे से हाथों से पहले पूरा मिक्स करेंगे, मोइन बनाएंगे। मोइन बनाने के बाद हमको इसमें अच्छे से डो बनाना है, बहुत गीला नहीं, बहुत टाइट नहीं है। उसके बाद उसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। फिर हम एक ग्लास से इसको छोटे छोटे पूड़ियाँ टाइप का कट करेंगे, बिकॉज इस टाइप का ही पूड़ी टाइप का कट करेंगे तो ही अच्छा सा शेप निकल के आएगा। एंड देन इसमें फिर चाकू से हम इसमें कट लगाएंगे। चाकू से पतला पतला कट लगाना होता है, पूरा एंड तक हमको नहीं कट करना है, बीच बीच में सिर्फ कट करना है, एंड उसके जुड़े रहेंगे। उसके बाद में हम इसको रोल कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको हम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। कुछ पीसेस बनाने के बाद फ्राई करेंगे उसको, उसके बाद गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करेंगे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू कमेंट।